अल्हदिल्ल रबीन वसलासल्लाम सदम्बियासलीम अम्माबाफ आजबाशविन आज का हमारा मौजू ईमान की बरकत है हदीसानी यानी दूसरी हदीस ईमान की बरकत के बारे में है अन तम ने सामित

फरमाते हुए सुना जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं और महमद सल्ला वसल्लम अल्लाह के रसूल है तो अल्लाह ताला इस पर दोज़ की आग हराम फरमा देता है गवाही देने से मुराद तमाम इस्लामी अकायद कबूल कर लेना है और दोज़ख़ की आग हराम होने का मतलब ये है कि जिसकी अकायद दुरुस्त है वो दो में हमेशा न रहेगा या इससे मुराद वो शख्स है जो ईमान लाते ही फौत हो जाए याद रखिए तो रिसालत की गवाही के बावजूद अगर आदमी से कोई ऐसा फ़ेल या कौल पाया गया जिसको सरकार आलिहि वसल्लम ने कुर की निशानी फरमाया कुफर की निशानी फरमाया हो तो शरीयत मतहर के हुम के मुताबिक वो काफ़िर हो जाएगा अगरचे बाहर तोहदालत की तस्दीक को इकरार करता है जैसे बुद्ध को सजदा करना जुनार बांधना वग़ैरह जिस शख़्स ने गुनाह कबीरा किए हों और तोबा किए बग़ैर मर गया तो वो अल्लाह ताला की मशीयत में है वो चाहे तो उसको माफ़ कर दे और इसको इब्तदा जन्नत में दाखिल कर दे और अगर चाहे तो उसको इतनी देर आजाब दे जितना इसे यानी अल्लाह अजाजल को मंजूर हो और फिर जन्नत में दाखिल कर दे लिहाजा जो शख्स भी अकीद तोहेद रसालत पर फोत हुआ इसको दो जख्दायमी आजाब नहीं होगा चाहे वह गुनाहगार क्यों ना हो जबकि इसके बरक्स जिस शख्स की मौत कुफर पर वाक़ हुई वह जन्नत में दाखिल ना होगा ख्वा उसके ढेरों ने किया कर रखी हो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हदीस पाक हमने सुनी इसको हमें सही समझने की और इसको याद करने की तोफ़ीकता फ़रमाए आप दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और क़ीमती राय से मुझे अपने कमेंट्स में आगाह कीजिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ईमान पर मौत की तोफ़ीकत फरमाए अमीन बिजाही नबील अमीन सल्ला वसल्लम